दिया, तो इसको आप उठाने दीजिए, ये अपने आप उसको उठाने दीजिए, ठीक है, आप इसको उठाने दीजिए और इसको उठाने के बाद इसको चलने दीजिए, इससे बैक करूं? हाँ अगला आगे करिए, आगे करिए, नेक्स्ट, अगला ऑप्शन क्या है, इससे बैक करना पड़ेगा ना पहले, ऑप्शन क्या है, बाहर कहीं पे क्लिक करिए, बाहर बाहर कहीं पे क्लिक करिए, ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म 5 तो नहीं है, सबसे ऊपर देखिए प्लान कौन सा डाला है हमने, सर हमने डाला है जीवन उमंग, देखिए प्लान कौन सा डाला, जीवन उमंग 945 डाला है, 945 के अंदर पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म इसके अंदर 100 साल नहीं आएगा क्या, नहीं सर 15 साल, मेरे को लग रहा है प्रीमियम पेइंग 100 साल आएगा सर, आप ऐसा करिए ना, पॉलिसी टर्म 15 साल ही आएगा सर, ये ऑटोमेटिक आएगा 15 साल, पॉलिसी टर्म 15 ही रहेगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट डालिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको आज का रखना है या किसी और दिन का रखना है, बैकडेट करना है क्या आपको, अप्रैल मई जून में किसी भी महीने में कोई पुरानी डेट से शुरू करना है क्या, आज का ही करते हैं सर, आज का है, आज का करना है, आगे चलिए, सर ये क्या है, ये जो प्रीमियम पेइंग टर्म ये क्या है सर, ये प्रीमियम पेइंग टर्म में क्लिक है वहां पे, इंस्पेक्टर इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा चलो आगे चलते हैं, राइटर पुलिस पर्सनल सेलेक्ट करिए, पुलिस पर्सनल सेलेक्ट करिए, क्या है, नो कर दीजिए, भाई आप पुलिस में काम करते हैं क्या, नो कर दीजिए, जी 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 यस सर, ये चाहिए, नहीं पुलिस नो करना है, पुलिस में तो आप नहीं है, हाँ एक्सीडेंट बेनिफिट रिक्वायर्ड, आप पुलिस में नो, इसको एडीडीबी रिक्वायर्ड कर दीजिए, एडीडीबी रिक्वायर्ड, सर ये वहीं पहुंच जाएगा वापस, पांच वहां पे फाइल चेंज नहीं किया, क्या नहीं चेंज किया, फाइल पेमेंट बैंक टर्म, पेमेंट बैंक टर्म, अच्छा ओके प्रीमियम पेइंग टर्म में क्या चेंज करना है, इसमें देखना सर जो तीन लाइनें बनी हुई हैं, क्या आता है इसमें, तो सर आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपको जो टर्म है उसके अंदर 100 साल डालना है, नहीं 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 ऐसा है मनीष जी, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए देखिए जीवन उमंग के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 100 साल हमको डालना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 100 साल डालना है, तो 100 साल के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इधर बाकी की चीजें आ जाएंगी, इसके बाहर यस सर, नहीं प्रीमियम पेइंग टर्म में हमें 15, हमें जो पॉलिसी का जो टर्म है थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पर एज आपका कितना लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर आइए थोड़ा सा, ऊपर आइए थोड़ा सा, ऊपर आइए और ऊपर आइए और ऊपर, यहाँ पर जो एज आपका लिखा हुआ आ रहा है, नहीं यहाँ पर तो एज तो आई नहीं रहा, तो इसका मतलब है और थोड़ा नीचे चलिए, और प्रीमियम पे जो प्रीमियम जो पॉलिसी का टर्म है वो 100 साल डाल दीजिए, ये पॉलिसी 100 साल तक चलता है, आप इधर 100 डाल दीजिए, पॉलिसी टर्म 100, हाँ जी, अभी आप इसमें जो 5 है उसको सेलेक्ट करिए, प्रीमियम पेइंग टर्म को सेलेक्ट करिए, ठीक है सर 5 कर दें, प्रीमियम पेइंग टर्म, नहीं 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 पीछे पीछे थोड़ा सा ऊपर, हाँ प्रीमियम पेइंग टर्म को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आपने 5 डाल रखा है, हाँ जी हाँ, इसमें क्या सेलेक्ट करना सर, नीचे जाओ नीचे, नीचे देखिए 14 देखो 15, इसका मतलब ये हुआ मनीष, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जो लीडर या तो ऑल इन वन या तो ब्लेस या तो परफेक्ट से कैलकुलेशन करते थे, तो उसमें आता था 4 तरह की प्रीमियम पेइंग टर्म, 15, 20, 25, 30, लेकिन यदि हम आनंदा से कैलकुलेशन करेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म 5 से शुरू हो जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब हम जिसको भी जीवन उमंग समझाएं तो आनंदा से भी समझा सकते हैं, बस इसके अंदर मैच्योरिटी लिखी हुई नहीं आती है, बस इतना सा समस्या है, लेकिन प्रीमियम कैलकुलेशन वगैरह एग्जैक्ट आता है, आगे चलते हैं, आगे बढ़िए, नीचे आइए, ये देखिए इसको एक्सीडेंट बेनिफिट रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करिए, एक्सीडेंट बेनिफिट रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करिए, तब तो इसमें ये एडीबी रिक्वायर्ड करें ना, एडीबी रिक्वायर्ड, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट रिक्वायर्ड, एडीडीबी रिक्वायर्ड कर दीजिए, एडीडीबी का सम अश्योर्ड डालिए, राइडर सम अश्योर्ड डालिए, 0 को जगह आप जो आपका सम अश्योर्ड आपने लिया है वो वाला डाल दीजिए, ठीक है सर, ओके, नीचे क्रिटिकल इलनेस सम प्रपोज में 15 तरह की बीमारियां कवर्ड होती हैं, क्या आपको चाहिए, नो नो ओके छोड़ दीजिए, नहीं नो नहीं करना है, ये नॉट ए नंबर, नहीं 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 नो नहीं करना, खाली छोड़ना है, टर्म राइडर सम प्रपोज क्या आपको चाहिए, इक्वल 5 लाख का इंश्योरेंस और चाहिए आपको, टर्म इंश्योरेंस साथ में जोड़ना है क्या, हाँ जी हाँ जी यस करूँ, यदि आपको जोड़ना है तो 5 लाख जोड़ दीजिए,
नहीं यस नहीं करना है आपको, यहाँ पे सम प्रपोज डालना है, जितना आपको चाहिए तो जितने का आपका बेसिक सम प्रपोज है 5 लाख का, उतना ही रुपया आपको इसके अंदर भी डालना है। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लीजिए। मेडिकल के साथ लगेगा फिर पॉलिसी नंबर? मेडिकल भाई हाँ, तो मेडिकल कर लेंगे ना। प्रोसेसिंग फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ओके देखो क्या है इसमें, ब्राउजर विंडो हैज स्टेप्ड, एप्लीकेशन वाज एक्सेस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमने टर्म राइटर डाला है कहीं उसकी वजह से तो नहीं आगे बाहर निकलती है। क्लिक हियर टू री लॉग इन, इस बार बिना टर्म राइटर के करते हैं। तो करना है सर, क्लिक हियर टू प्रोसीड टू एलआईसी सेल्स चैनल, आनंदा, आनंदा के नीचे प्रोसीड टू एलआईसी सेल्स चैनल कर दीजिए, नीचे वाला। हाँ नीचे वाला, सेलेक्ट यूजर टाइप, एजेंट विद ओटीपी, तीसरा ऑप्शन वो डालिए, उसके बाद वाला वो एंटर एजेंसी कोड। गेट ओटीपी करिए, अभी ये 30 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो 11:30 बज चुके हैं, अभी 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये मीटिंग जूम वाले काट देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वो कटेगा तो दोबारा से इसी लिंक को फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम मीटिंग को बीच में नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अभी 9 मिनट के बाद कटने वाला है, कटने के बाद आप दोबारा से इसको कर लीजिएगा, कंटिन्यू करिए। जैसे ही मीटिंग कटेगा अभी 8 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद, तो आप दोबारा से सेम लिंक को ज्वाइन करके सेलेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लाइनें दबाइए, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लाइनें, सबसे ऊपर जाइए, सबसे ऊपर 3 लाइनें दबाइए, 3 लाइनें में केसेस समरी दबाइए, केसेस समरी। ठीक है सर। पेंडिंग लीड्स। ठीक है। पेंडिंग लीड्स का मतलब कि अभी तक आपने किस किस का प्रीमियम कैलकुलेशन कर रखा है, तो अभी तक प्रीमियम कैलकुलेशन अभी तक आपका एक का भी नहीं हुआ, तो हम पहला प्रीमियम कैलकुलेशन चालू करते हैं। 3 लाइनें दोबारा से दबा लीजिए, वो जो 3 लाइनें ऊपर, हाँ, तो प्रीमियम कैलकुलेटर निकाल लीजिए, प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन। तो अभी प्रीमियम कैलकुलेशन अभी देखिए कौन से वाले, आप यूनिट लिंक खोल लिया आपने? नहीं, क्या खोला आपने? अभी तो एंडोमेंट चल रहा है, कौन सा होल लाइफ ही करना है या तो कोई और खोलना है? 6 ग्रुप बने हुए हैं ऊपर, होल लाइफ खोलना है, तो होल लाइफ ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, अभी आप यूनिट लिंक पे आ गए, होल लाइफ इधर है। प्रीमियम को सेलेक्ट करिए, प्रीमियम येलो कलर का है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए फिर से एक बार, पिछली बार हमने सेव नहीं किया था तो बिना सेव किए वो सब बाहर निकल गया, तो इस बार ही इसको सेव करना पड़ेगा। तो डैश करना है, हाँ जी, डिजिटल लाइव कर लीजिए। हमारे पास एक्सपर्ट लोग भी हैं अवेलेबल, अभी मनीष जी एक्सपर्ट हैं, 2 पॉलिसी नंबर आनंदा में लगा चुके हैं, विकास जी 1 पॉलिसी नंबर आनंदा में लगा चुके हैं, डॉक्टर दीपक शर्मा जो हैं मथुरा से उन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। पेइंग टर्म में चेंज। अच्छा, पेइंग टर्म में 5 है तो 5 की जगह हम 15 करें इसको, प्रीमियम पेइंग टर्म को 15 कर लीजिए, 15 साल का प्रीमियम हम लोग भरेंगे। इसमें लिखा है कि कितने साल आप प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए कितने साल भरना चाहते हैं। सर पिक्चर नहीं आ रही है कोई, सर क्या नहीं आ रही? पिक्चर नहीं आ रही सर, ब्लैक आ रही है। यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, यहाँ पर क्लियर आ रही है, हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है, इधर बिल्कुल ठीक आ रही है, मेरा ब्लैकिश आ रहा है सर। सर मुझे नहीं मालूम है कि क्यों आ रहा है, लेकिन सिस्टम को बाकी सभी इसमें सही है, हाँ तो इसमें बाकी सभी को बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बाकी सभी लोगों को, बाकी सभी साथियों को बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सभी कुछ क्लियर आ रहा है। तो अभी आपका ब्लैक क्यों आ रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, आप मेरे ख्याल से किसी को चेक करा दीजिए कि आपका ब्लैक क्यों आ रहा है। दूसरे सिस्टम से हो गया सर, कर सकते हैं, हाँ ठीक बात है, ये भी बात ठीक है सर, हो गया।
अच्छा ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। हो सकता है इंटरनेट स्पीड का असर हो, कि इंटरनेट की स्पीड कम थी शायद इस वजह से आ रहा होगा। हाँ जी, पुलिस पर्सोनल सेलेक्ट करिए, पुलिस पर्सोनल सेलेक्ट करिए, पुलिस पर्सोनल। हाँ जी, इसको एक्सीडेंट बेनिफिट रिक्वायर्ड को ADDB रिक्वायर्ड करिए, और ADDB का राइडर का सम प्रपोज डाल दीजिए। कितने का सम प्रपोज था आपका? नहीं, जीरो को हटाइए, आगे बढ़िए। क्रिटिकल इलनेस राइडर में 15 तरह की बीमारियां कवर्ड होती हैं, वो तो चाहिए नहीं। टर्म राइडर को भी इस बार बिना टर्म राइडर के करके कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेट प्रीमियम, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, कैलकुलेट प्रीमियम करके देखिए। ब्लू कलर का बटन है नीचे, सबसे नीचे कैलकुलेट प्रीमियम दिखा है, तो ये आपका पॉलिसी तो ये समस्या क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। 2/10/1992 से आपका डेट ऑफ बर्थ जो बनता है वो बनता है 29 साल, तो 100-29, तो ये पॉलिसी बनेगी आपकी 71 ईयर्स की। तो जहाँ पे आपने 100 डाला था वहाँ 71 है, हाँ 71 डाली, ये चक्कर। हाँ हाँ हाँ, ये है, ये है 71। तो आप इसमें जो 100 लिखा था ना, वहां पर आप इसमें 945 में आप उसको 71 साल कर लिए, तो 71 और 29 हो गए 100। बस ये काम करती है, ये थोड़ा सा, हाँ ये सॉफ्टवेयर को जो है ना हमको समझना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से चलता है। सर, हिसाब से प्रीमियम पेइंग लिखना पड़ेगा 15। प्रीमियम पेइंग तो 15 साल करनी है ना, वो तो 15 करनी है। हाँ वो तो 15 ही है ना, 15, 20, 25, 30, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है सर, आगे चलिए। अब इसमें नीचे आ जाइए और नीचे आगे कैलकुलेट प्रीमियम कर लीजिए ब्लू कलर का। आगे प्रीमियम आ गया, बहुत प्रीमियम आ गया आपका, बढ़िया प्रीमियम आ गया आपका। बेसिक प्रीमियम आ गया है, नीचे आपका टोटल प्रीमियम आएगा, बेस प्रीमियम के नीचे टोटल प्रीमियम, इसके नीचे आएगा, बेस प्रीमियम के नीचे आएगा। 29 साल आपकी एज भी लिखी हुई आ रही है, ऊपर पॉलिसी टर्म भी 71 ईयर्स आ रही है। 41,327 सुदामा जी चलेगा, 41,000 का प्रीमियम चलेगा जी सर? बढ़िया, तो आगे आइए, नीचे आइए। तो कन्फर्म एंड प्रोसीड करिए, ब्लू कलर का कंफर्म एंड प्रोसीड करिए। वेरी गुड, बढ़िया। तो प्रीमियम आपका पक्का हो चुका है। एजेंसी कोड चेक करिए, डीओ कोड चेक करिए, सर्विसिंग ब्रांच, सेटलमेंट ऑफिस कोड खोलिए, सेलेक्ट करिए। हाँ, एनए करिए। ये क्या आगे चलिए, सैटेलाइट ऑफिस सारी चेक करिए, सब ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे चलिए। जनरेट लीड और नीचे आइए, नीचे, हाँ जनरेट लीड कर लीजिए। प्रोसेसिंग फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ओके दोबारा से एरर आ गया। आपने जनरेट लीड 2 बार दबाया था क्या? नहीं सर, 1 बार दबाया है। कोई बात नहीं, क्लिक हियर टू री लॉगिन, एक बार फिर से लॉगिन कर लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो अटक गया मामला बीच में, लेकिन क्या अटका पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी अटका है तो दोबारा से प्रोसीड टू LAC सेल्स चैनल कर लीजिए। आनंदा नीचे वाला सेकंड वाला दोबारा से सेलेक्ट यूजर टाइप करिए और एजेंट विद OTP करिए, एंटर करिए, गेट OTP करिए। ये क्या हुआ, बैक करिए, कुछ हुआ, बैक करिए, एक स्क्रीन पीछे जाइए, हाँ रीलोड करिए, राइट साइड में 3 डॉट को दबा के और रीलोड कर लीजिए, गोला घुमाइए राइट साइड में, सबसे ऊपर जो गोला है, जो तीर जिस पे लगा हुआ है, हाँ कंटिन्यू करिए। इस 400919 कॉपी OTP कर लीजिए, कॉपी OTP कॉपी सक्सेसफुल, बढ़िया। ये तो कहीं पहुंचा नहीं, दोबारा से रीलोड करिए, हाँ इसका कंटिन्यू करिए। हाँ गेट OTP तो इनवैलिड इंटरमीडिएट, बैक जाइए एक बार, बैक जाइए एक बार फिर से बैक जाइए,
सर इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है, आप इसको मत करिए, रीलोड मत करिए, मत करिए, कैंसिल करिए। नहीं हाँ चलो ठीक है, चल रहा था वो, डाल दीजिए, रीलोड कर दीजिए, रीलोड कर दीजिए, अभी रीलोड करिए, रीलोड करिए सर। ये मीटिंग अपने आप ऑटोमेटिक हो गया क्या? मतलब ऑटोमेटिक क्या मतलब ऑटोमेटिक मतलब कनेक्ट हो गया, दोबारा लिंक पे क्लिक करना ही नहीं पड़ा दोबारा से कनेक्ट। सुदामा जी दोबारा से कनेक्ट की बजाय आप इसमें सुदामा जी आप LIC India.in डाल लीजिए, आप खाली जगह, हाँ ऊपर ऑनलाइन सेल्स की जगह आप LIC India डाल लीजिए। नहीं नहीं मत करिए मत करिए मत करिए, ऑनलाइन सेल्स की जगह LIC India.in डाल लीजिए। यहाँ पे सबसे ऊपर onlinesales.lhindia.in है, वहां पे सिर्फ LIC India.in डाल लीजिए, LIC India.in के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए इसको, हाँ एंटर करिए। नहीं 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 LIC नीचे लिखा हुआ आ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ एंटर करिए, हो गया, आ गया लिखा, आ गया, एंटर कर लीजिए, हाँ बस ठीक है।